स्वागत है होमीज एच मांगा के पहले वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो के एडल्ट मांगा के बारे में, जो कुछ ज्यादा ही फैमिली फ्रेंडली है। इसमें हमें हिनाटा, सकुरा, शारदा और इवन हिमावरी के सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। सही सुना, हिमावरी के भी। आई डोंट नो ऑथर को हिमावरी में क्या दिखा, बट एनीवे ये हमारे चैनल का पहला एच मांगा वीडियो है, तो इसमें अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। चैप्टर की शुरुआत में हमें जिराया सेंसेई का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जहां हमें बताया गया है कि दुनिया भर की अलग अलग जगहों के नहाते हुए औरतों पर ताक झांक के दौरान मास्टर जिराया ने एक ऐसा जुत्सु क्रिएट किया है, जिसको यूज करके यूजर्स किसी भी औरत को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस सीक्रेट जुत्सु को जिराया ने अपने एक नॉवल में छुपा दिया था और उसको ढूंढने के लिए उसी नॉवल में कुछ क्लूज को छोड़ दिए थे, क्योंकि जिराया चाहता था कि कभी न कभी एक दिन उसका प्यूपिल यानी नारुतो इसे पढ़ेगा और जुत्सु को यूज करेगा। बट हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये नॉवल बोरुटो के पास आ चुका है और उसने इसे पढ़ भी लिया है और सारे क्लूज सॉल्व करके उसने जुत्सु को ढूंढ निकाला है। बोरुटो कहता है, तो ये था इस बुक में और मुझे लगा इसमें कुछ मजेदार चीज होगा। मैं हैरान हूँ कि मेरे डैड और उनके टाइम के कोई भी पर्सन इसे अभी तक डिस्कवर नहीं किया है, और कौन ही होगा जो इस पर बिलीव करेगा कि ये जुत्सु जो किसी भी औरत को अट्रैक्ट करता है। लेकिन वही दूसरी ओर बोरुटो सोचता है, वेल इसे ट्राई करने से कोई हार्म तो नहीं है, तो इसे एक चांस देना चाहिए, और वो इस जुत्सु को परफॉर्म करता है। जुत्सु परफॉर्म करने का हैंड साइन ये रहा, ट्राई कर सकते हो, क्या पता तुम भी किसी वुमेन को अट्रैक्ट कर लो। एनीवे बोरुटो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सच में इसे परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर ये शारदा को पता चलेगा तो वो मुझ पर हंसेगी। उसके बाद बोरुटो वेट करता है। बोरुटो डिसअपॉइंटेड सा फेस बनाकर बोलता है, हाँ पता था कुछ नहीं होगा, अब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ जो इस पर बिलीव कर लिया। और ये बोलते ही बोरुटो का सामान हो जाता है टाइट। बोरुटो को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसको लग रहा है कि उसका जो सामान है वो ब्लास्ट कर जाएगा। ये सब रूम में चल ही रहा होता है कि तभी हिनाटा को ऊपर से आवाज़ आती है और वो बोरुटो को आवाज़ लगाते हुए सीढ़ियों से ऊपर आ रही होती है। बोरुटो क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, और वो ऊपर रूम के पास आ जाती है। वो कहती है, बोरुटो क्या तुम यहाँ हो, और वो सोच रही है कि हे भगवान ये लड़का कुछ गलत करना ले। वेल जब हिनाटा दरवाजे की ओर देखती है तो उसे बोरुटो का पैर दिखाई देता है और वो देखती है कि वो जमीन पर लेटा हुआ है, तो वो घबरा कर बिना कुछ सोचे समझे बोरुटो के रूम में डायरेक्ट घुस जाती है। सो हिनाटा जैसे ही रूम में घुसती है, गैस वॉट क्या हुआ होगा, वो देखती है बोरुटो का सांप पैंट से बाहर आ चुका है और वो खड़ा है। उसके बाद हिनाटा का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, वो कहती है ये क्या है और इसका सांप बाहर क्यों निकला हुआ है। वो कहती है, मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों है, पर अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और मैं प्रिटेंड करूँ कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। और वो रूम से बाहर ही जा रही होती है कि तभी हिमावरी वहाँ पर आ जाती है। हाँ गाइस, हिमावरी की एंट्री हो चुकी है यहाँ पर। हिमावरी कहती है, मॉम आप भाई के कमरे में क्या कर रहे हो। तो हिनाटा कहती है, कुछ नहीं बेटा, मम्मी बस भाई के कमरे को साफ कर रही है, तुम्हारा ब्रेकफास्ट ऑलरेडी नीचे टेबल पर रखा हुआ है, तुम जाओ मैं जल्दी से नीचे आ जाऊंगी। और हिमावरी फिर चली जाती है। वेल हिमावरी के जाने के बाद इधर हम देखते हैं हिनाटा दरवाजे को लॉक कर लेती है। हाँ लौंडो सही सोच रहे हो, वो टाइम आ चुका है। हिनाटा खुद को और बोरुटो को रूम में लॉक कर लेती है एंड उसके बाद खत्म। वेल असली मजा तो इस मांगा के दूसरे चैप्टर में होने वाला है, सारा काम तो उसी में होगा। अभी तो बस मैंने तुम्हारे तवे को गैस पर चढ़ाया है, तवा गर्म होगा अगले चैप्टर में, जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इस वीडियो को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर तुम चाहते हो कि इसका पार्ट टू आए तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करना एंड नेट से देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स होता है, कैसा व्यूज आते हैं, फिर मैं इसका पार्ट टू लेकर आ जाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।